हेलो दोस्तों, नॉलेज गेन के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवराकन और आप देख रहे हैं रहस्यमय अमेजन जंगल। अमेजन या अमेजॉन या अमेजॉन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। ये ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। इसकी प्रवाह घाटी विश्व में वृहत्तम है तथा इसमें जल की प्रवाह दर इसके बाद की आठ नदियों के योग से भी अधिक है। इसके लंबे चौड़े पात के कारण अमेजन नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के आठ देशों में फैली हुई है। ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के अलावा फ्रेंच गुयाना तक अमेजन की धारा बहती है। ये ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। इसकी प्रवाह घाटी विश्व में वृहत्तम है तथा इसमें जल की प्रवाह दर इसके बाद की आठ नदियों के योग से भी अधिक है। साउथ अमेरिका की अमेजन नदी हिसाब से भी बड़ी मानी जाती है। बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया तथा इक्वाडोर जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में जीव जंतु और वन पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर अमेजन के नेग्रो नदी में कुछ दिनों पहले पानी उतरने के बाद अचानक से लंबाई 6,200 किलोमीटर से लेकर 7,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। हैरानी दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अमेजन नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के आठ देशों में फैली हुई है। आपको बता दें कि अमेजन नदी 6,992 किलोमीटर में फैली है। गुयाना और वर्तमान में एनाकोंडा को दुनिया में अमेजन की धारा साफ माना जाता है। पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व में और अस्तित्व में है और एनाकोंडा सागर में सामने बौना साबित होगा। इसकी प्रवाह घाटी विश्व में बड़े जानवरों को खाने में सक्षम प्रवाह दर इसके बाद हीरा के दीवारा काइमेन और बड़े पक्षी शामिल है। इसके लंबे चौड़े पाए कभी कभी नदी पर फूलों का अभाव विशेषकर प्रजनन अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला में लोग जाएंगे अपने आकार के कारण हरे एनाकोंडा उन पर फूल न होने के क्या कारण है। बहुत बड़े जानवरों को खाने में नदी का दूसरा किनारा जिनमें हिरण भाग में बारह काइमेन और बड़े पक्षी शामिल इस पर फूलों का अभाव माना दावा है कि ये सांप इसी नदी में मौजूद है। आपको बता दें कि अमेजन नदी 6,992 किलोमीटर में फैली है। वर्तमान में एनाकोंडा को दुनिया में सबसे दैत्याकार सांप माना जाता है। अगर टाइटेनोबोआ सच में अस्तित्व में है तो एनाकोंडा उसके सामने बौना साबित होगा। ग्रीन एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा अमेजन वर्षावन नदी अमेजन रेन फॉरेस्ट रिवर का एक विशालकाय सांप है जो कि अपने शिकार को जिंदा निगलने की क्षमता रखता है। इसकी लंबाई 6,200 किलोमीटर से लेकर 7,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अमेजन नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के आठ देशों में फैली हुई है। ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के अलावा फ्रेंच गुयाना तक अमेजन की धारा बहती है। एनाकोंडा को अमेजन नदी में देखा जा सकता है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले बड़े सांपों का एक समूह है। वयस्क बहुत बड़े जानवरों को खाने में सक्षम होते हैं जिनमें हिरण, कैपीबारा, काइमेन और बड़े पक्षी शामिल हैं। मादाएं कभी कभी नर को खा जाती हैं, विशेषकर प्रजनन काल के दौरान। अपने आकार के कारण हरे एनाकोंडा उन कुछ सांपों में से एक है जो इंसान को खा सकते हैं, हालांकि यह बेहद दुर्लभ है। इसी के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।